अगर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मानी दिल्ली के पूर्व मेयर की बात, तो दिल्ली वालों को मिलेंगे रोजगार के बेहद ज्यादा अवसर। दिल्ली में पिछली बार की तरह ही नियंत्रण में है डेंगू, सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया दावा। कोरोना के कारण इस बार टूटेगी वर्षों पुरानी परंपरा, दिल्ली के दुर्गा पंडालों में नहीं होगा सिंदूर खेला। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के वाहन मालिक अब 30 नवंबर तक लगवा सकेंगे हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट। स्वच्छता के लिए इंदौर नगर निगम के फार्मूले पर काम कर रहा है हरियाणा का शहर फरीदाबाद। आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगर अपनी ही पार्टी के पूर्व महापौर की बात मान ली, तो दिल्ली वालों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे। दरअसल उत्तरी दिल्ली के पूर्व महापौर योगेंद्र चंदौलिया ने अमित शाह के उस बयान का स्वागत किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि आतंकवाद, जाली करेंसी, नशीली दवाओं, साइबर अपराध, हथियारों की तस्करी और सीमा सुरक्षा जैसी नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस व अर्धसैनिक बलों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। गृह मंत्री को लिखे पत्र में योगेंद्र ने लिखा है कि अन्य देशों के मुकाबले भारत में पुलिस की संख्या काफी कम है, इसीलिए पुलिस कर्मियों को 24 घंटे से लेकर 365 दिन तक ड्यूटी करनी पड़ती है। अभी 1,00,000 की आबादी पर सिर्फ 198 पुलिसकर्मी तैनात हैं। इस अनुपात में दिल्ली की बढ़ती आबादी को देखते हुए पुलिस की संख्या बेहद कम है, जिस कारण दिल्ली में अपराध भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस में भर्ती करने के लिए दिल्ली के ही युवाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस में पड़ोसी राज्यों के लोग भर्ती हो जाते हैं और उस दौरान दिल्ली के युवा अपने आप को ठगासा महसूस करते हैं। अगर गृह मंत्री अमित शाह योगेंद्र चंदौलिया की बात से सहमत होते हैं, तब दिल्ली के युवाओं के लिए यह एक लॉटरी के खुलने के समान होगा, क्योंकि इसके बाद दिल्ली के युवा दिल्ली पुलिस में अधिक मात्रा में भर्ती हो सकेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डेंगू विरोधी अभियान 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट के 8वें सप्ताह अपने आवास पर मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए जमा हुए पानी को बदला। रविवार को मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि आज सुबह मैंने फिर से अपने घर पर इकट्ठा हुए पानी की जांच की और उसे बदला। डेंगू को हराने के लिए हमें बस मच्छरों को पनपने से रोकना है। पिछली बार की तरह इस बार भी डेंगू नियंत्रण में है। दिल्ली लगातार दूसरे साल डेंगू को मात दे रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के निवासियों को डेंगू की रोकथाम संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार दुर्गा पंडालों में खेले जाने वाला सिंदूर खेला का कार्यक्रम नहीं होगा। राजधानी में बढ़ते कोरोना वायरस और लोगों के बीच शारीरिक दूरी बनाए रखने के चलते इस बार वर्षों पुरानी परंपरा को नहीं निभाने का फैसला लिया गया है। वहीं देर शाम को मां दुर्गा की मूर्ति का अस्थायी रूप से बनाए गए तालाब में विसर्जन किया जाएगा। इस बार कोरोना संक्रमण के चलते यह फैसला लिया गया है कि सिंदूर केवल एक ही महिला खेलेगी, जो शारीरिक दूरी का पालन करते हुए मां दुर्गा को सिंदूर चढ़ाएगी। वहीं शाम 5 बजे मंदिरों में मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा। यह भी पहली बार होगा जब मूर्ति का मंदिर परिसर के अंदर ही विसर्जन किया जाएगा। अगर आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा में रहते हैं और अपने वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना चाहते हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको एक बड़ी राहत दी है। दरअसल यूपी सरकार ने निजी और व्यावसायिक वाहन मालिकों के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में HSRP लगवाने की आखिरी तारीख 19 अक्टूबर थी। राहत के चलते अब वाहन मालिक अपनी गाड़ियों में अगले महीने 30 नवंबर तक HSRP लगवा सकते हैं। बताया जाता है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की ऑनलाइन बुकिंग के दौरान आ रही तकनीकी परेशानियों के चलते यूपी सरकार ने जनहित में यह फैसला लिया है। इसके बाद कमर्शियल वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के लिए कुछ और दिन की मोहलत परिवहन विभाग ने दी है, जो 30 नवंबर तक कमर्शियल वाहन स्वामियों को HSRP लगवाने के लिए अतिरिक्त समय देगी।
स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में अव्वल आने की तैयारी के चलते फरीदाबाद नगर निगम इंदौर नगर निगम के फार्मूले पर काम कर रहा है। इंदौर के सलाहकारों के सुझाव पर फरीदाबाद नगर निगम के सुपरवाइजर अलग अलग वार्डों में जाकर एक तरफ जहां स्वच्छता मित्रों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, वहीं सामाजिक संगठनों और निगम पार्षदों को भी स्वच्छ भारत मिशन से जोड़ा जा रहा है। नागरिकों को संदेश दिया जा रहा है कि अपने घर से गीला व सूखा कचरा अलग अलग करके इको ग्रीन के कर्मचारियों को दें। इसके अलावा नगर निगम ने खत्तों की संख्या भी काफी कम कर दी है, जिससे शहर में कम से कम कचरा दिखाई दे। आपको बता दें कि पिछले दिनों इंदौर नगर निगम के सलाहकारों ने फरीदाबाद नगर निगम की टीम एवं उपमहापौर सुमन बाला को कुछ सुझाव दिए थे। इंदौर में कोई भी खत्ता नहीं है जहां कचरा फैला हुआ दिखाई दे। फील्ड से एकत्र किया गया कचरा सीधा डंपिंग साइट पर ले जाया जाता है और वहीं कचरे का निस्तारण किया जाता है, और शायद इसी की वजह से इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 बना हुआ है।